मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जानकी सेना संगठन विश्व कीर्तिमान बनाने जा रहा है। 12 नवंबर को 12:12 मिनट पर शहर के पोलो ग्राउंड पर 11,000 लोग एक साथ सुंदरकांड का पाठ कर विश्व कीर्तिमान को रचाएंगे। संगठन के कार्यकर्ता विश्व कीर्तिमान बनाने के इस कार्य को लेकर जिले भर में तैयारियों पर जुटे हुए हैं। रविवार को होटल मातोश्री में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सिंह रावत, राष्ट्रीय संयोजक ब्रजेश सिंह तोमर और महामंडलेश्वर पुरुषोत्तम दास महाराज ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बैठकों का दौर जारी है। जिले भर में सुंदरकांड आमंत्रण यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। कार्यकर्ता घर घर जाकर पीले चावल देकर लोगों को आमंत्रण दे रहे हैं। आप देख रहे हैं फास्ट समाचार, मैं हूँ आपके साथ उन्नति मिश्रा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे शहर शिवपुरी में एक विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है, तो आज हम आप सभी को एक आध्यात्म की ऐसी दुनिया में लेकर के जाना चाहते हैं जिसकी कल्पना हमने, आपने या शिवपुरी शहर के किसी भी व्यक्ति ने कभी नहीं की होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 12 नवंबर को होने जा रहे इस भव्य सुंदरकांड का जो हमारे यहाँ पे आयोजन है, वह हमारे जानकी सेना संगठन द्वारा किया जा रहा है। 12 नवंबर को ठीक 12:12 पर इस भव्य सुंदरकांड की शुरुआत होगी। यह भव्य सुंदरकांड शिवपुरी के इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा, क्योंकि यह सुंदरकांड 5 देशों, 9 राज्य और 38 जिलों में यह और कई ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर यह सुंदरकांड होने जा रहा है। तो हमारे साथ में मौजूद हैं इस जानकी सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विक्रम सिंह रावत जी। तो नमस्ते सर। नमस्कार। तो आज हम इनसे सवाल जवाब शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल विक्रम जी, यह बताइए कि जानकी सेना संगठन क्या है और ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है? जानकी सेना संगठन एक ऐसा संगठन है जिसने एक संस्कृति पर, ये भारतीय संस्कृति पर ये कार्य कर रहा है और ये देश के 9 प्रदेशों तक, शिवपुरी से चलकर 9 प्रदेश, 38 जिले और फौरन के विदेश के 5 देशों तक आज संगठन से 45,000 से अधिक सदस्य जुड़े हुए हैं, जिनमें 8,500 महिला सदस्य आज वर्तमान में अपनी सांस्कृतिक क्षेत्र में कार्यरत हैं और सामाजिक क्षेत्र में सेवारत हैं। शिवपुरी में भव्य सुंदरकांड का आयोजन हुआ है जिसके मुख्य अतिथि स्वयं हनुमान जी हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम माँ जानकी, हम सभी जानकी सैनिकों की आराध्य हैं और हम जो वाचन करते आ रहे हैं 8 वर्षों से सुंदरकांड एक हनुमान जी का वृतांत है जिसमें उनका शौर्य का उल्लेख किया गया है, उनकी बुद्धि का उल्लेख है, जहां उन्होंने लंका में जाके अपने पराक्रम के बलबूते, अपने बुद्धि के बलबूते माँ जानकी जी का पता किया। तो हम वो अनुसरण कर रहे हैं और जब हम सुंदरकांड का अनुसरण 8 वर्षों से कर रहे हैं, तो चूँकि इतना बड़ा जब विश्व ऐतिहासिक आयोजन करने जा रहे हैं तो उसका अतिथि हनुमान जी से बढ़ के तो कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए हमने हनुमान जी को इस आयोजन का अतिथि रखा है। आपके मन में यह विचार कब आया कि जानकी सेना संगठन बनना चाहिए? 14 सितंबर 2014 को सोते ही 14 लोग बैठे हुए थे, आपसी चर्चा पर ही एक संगठन का निर्माण हुआ कि कोई ऐसी कोई संस्था बनाई जाए जिससे लोगों को जोड़ा भी जा सके और हफ्ते में आपस में लोग मिलें, उसी को लेकर इसका निर्माण हुआ। नाम भी ऐसी 14 लोगों में से आया, माँ जानकी के नाम पर इसका निर्माण किया गया। तो 14 लोगों से आज 45,000 के ऊपर का संगठन ने सफ़र किया है। राष्ट्रीय शांति हेतु होने जा रहे भव्य सुंदरकांड से आप क्या संदेश देना चाहते हैं राष्ट्रीय शांति से? देखिए, जब राष्ट्र में शांति होगी तो स्वतः ही मानिए कि सभी में भाईचारा होगा, तो उसी की कामना से हमारे जितने भी अभी तक सुंदरकांड आयोजन हुए 8 वर्षों में, इनकी क्रम की गिनती भी है, ये जो आयोजन विश्व कीर्तिमान होने जा रहा है वो संख्या रहेगी इसकी 455वां। 8 वर्षों में अविराम गति में चल रहे हैं, 1 वर्ष में 52 शनिवार होते हैं, उसके अतिरिक्त दिनों में भी संगठन ने सुंदरकांड की है और सभी राष्ट्र कामना की भावना से साप्ताहिक आयोजन चल रहे हैं, उसी कामना में ये राष्ट्र शांति का एक बड़े समूह में विश्व स्तरीय आयोजन किया जा रहा है। कामना सभी की राष्ट्र शांति है जिससे भाईचारा रहे। 11,000 से ज़्यादा लोग इस भव्य सुंदरकांड में शामिल होंगे, तो व्यवस्था कैसी रखी गई है? व्यवस्थाएँ पूरी यह सोचकर की गई हैं, क्योंकि जो सुंदरकांड हो रहा है वो एक मर्यादा का प्रतीक है
और वह आयोजन इतनी अधिक संख्या में भी मर्यादापूर्ण सफल होना चाहिए, संपन्न होना चाहिए, उसी को ध्यान रखते हुए सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद संगठन सदस्यों ने, महिला सदस्य बहनों ने उसकी व्यवस्थाएं बनाई हैं और सभी उसके कार्य में जुटे हुए हैं। हनुमान चालीसा में लिखा है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा, तो क्या महिलाएँ पढ़ सकती हैं? बिल्कुल, स्वयं संकल्प ये जो लाइन है एक लिखा तो तुलसीदास जी ने है, लेकिन शंकर जी भी, भगवान शंकर जी भी इसकी एक व्याख्या करते हैं कि जो है पढ़े हनुमान चालीसा, मतलब जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। तो जो सभी पढ़े तो उसमें कहीं उल्लेख ये दिया ही नहीं है कि महिला पुरुष कौन पढ़े, सब जो भी जीव हैं पढ़ने वाले वो पढ़ सकते हैं। बैठक व्यवस्था के लिए जो नाम रखे गए हैं वो रामायण की याद दिलाते हैं, इसकी कोई विशेषता? ये विशेषता इसलिए भी है कि बैठक व्यवस्थाएं जब घरों तक हमारा संदेश जाएगा तो बच्चे भी जानेंगे कि ये बैठक व्यवस्थाओं के जो नाम दिए गए हैं ये नाम आए कहाँ से हैं। तो जब नाम पूछेंगे माता पिता से तो वो बताएंगे कि ये रामायण के नाम है, इसलिए उनका नाम दिया गया है। तो अंत में आप जानकी सेना संगठन की ओर से क्या संदेश देना चाहते हैं सभी भक्तजनों को? संगठन के इस महाकुंभ को सफल करने पधार रहे सभी का संगठन हार्दिक स्वागत करता है कि सभी सुप्रीवासी और देश भर से जो सब पधार रहे हैं उनका सुप्रीवासी सभी स्वागत करने के लिए आतुर हैं, और इस सुप्री की पावन धरा से इस महाकुंभ को हम यहाँ से विश्व कीर्तिमान के रूप में सफल करने जा रहे हैं, और यहाँ से हम एक शांति देंगे कि हम सभी एक भाईचारा और सब अपनी अपनी संस्कृति और देश की संस्कृति को सदा जीवंत रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं भौतिकता में संस्कृति खो रही है, उसी संस्कृति को भौतिकता के साथ समायोजित करके चलने का ही हमारा संदेश है कि सभी में भाईचारा रहे और संस्कृति के साथ और भौतिकता के साथ दोनों को साथ लेकर चलें। तो ये थे हमारे साथ जानकी सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विक्रम सिंह रावत जी। इन्होंने हमें बताया कि कैसे आयोजन रखे गए हैं जानकी सेना संगठन द्वारा, कैसे इस आयोजन को सफल बनाया जाएगा जानकी सेना संगठन द्वारा, और यह fastsamachar.com की टीम से और जानकी सेना संगठन की ओर से आप सभी से निवेदन है कि इस भव्य सुंदरकांड में आप भी शामिल हों और इसकी शोभा को और बढ़ाएं और इस महासुंदरकांड के आप भी साक्ष्य बने। धन्यवाद।